subscribe and press the bell icon for latest update. गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव खत्म होने के बाद अब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं तो बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बुधवार को सिद्धरमैया ने कहा कि NIA लगातार PFI को निशाना बना रही है, उनके 5 लोगों पर चार्जशीट दायर की गई है। सिद्धरमैया ने कहा है कि क्या सरकार PFI को बैन कर रही है, अगर ऐसा है तो RSS और बजरंग दल भी दहशतगर्द हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो RSS हो, BHP हो या फिर बजरंग दल। सिद्धरमैया के हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कर्नाटक के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि सिद्धरमैया चुनाव का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। एक तरफ वो बीजेपी RSS को दहशतगर्द संगठन कह रहे हैं तो दूसरी तरफ स्थानीय कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश बीजी पर बैन की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से ट्वीट में लिखा गया है कि उन्हें समझना चाहिए कि ये 1975 नहीं है और आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आज कर्नाटक में ही है। शाह ने यहाँ पर परिवर्तन यात्रा की रैली में हिस्सा लिया। अमित शाह ने रैली में कहा है कि सिद्धरमैया सरकार एंटी हिंदू है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। शाह ने कहा कि जो पैसा मोदी सरकार राज्य के विकास के लिए भेज रही है वह कहा जा रहा है। शाह ने यहां बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।